लो आते हैं। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था जिसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे ले, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे में मुँह की ओर हाथ किया तो ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगा लेना और कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम सात भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। वह भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुछ रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चोट आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया और वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देख कर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापी हत्यारी मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, आप भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल नाखूनों में से मेहंदी और टिक्के में से रोली लगाकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिट्टा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोए। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लुटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लग गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रहे, यही करवा चौथ के उपहास की सनातन महिला है। एक ब्राह्मण परिवार में सात बहुएं थी। छह बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटे के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता, सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहू के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई
होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को एक हरी पटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटे बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटे बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती पर नांद के बारे में उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वह घर में कोई नहीं था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी जिस पर सांप की पूंछ कटी थी, उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने माँ से पूछा कि मेरी पूछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और गलती में रखने पर मैं ही तुम्हारी पूछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंड भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं सोचा। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है तो मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने कुछ ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला, तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन से बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। एक बुढ़ियान दिमाई थी। ये बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोज दिन गणेश जी की पूजा कराया करती। गणेश जी रोज दिन कहता, बुढ़िया माई ने मांग बुढ़िया कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती, मैं न तो मांगना को नहीं आओ, मन तो मांगना को नहीं आवे। गणेश जी बोले, तेरा बेटा बहू ने पूछ ले। जब वो अपना बेटा बहू ने पूछे तो बेटो बोले, माँ धन मांग दी। बहू ने पूछी तो बहू बोले कि सासू जी फोटो मांग दे। बुढ़िया सोची कि ये दोनों तो अपना मतलब की चीज मांगी सी, तो मैं पड़ोसन न जाए पूछ पाऊँ से। पड़ोसन कल जाकर पूछने लगी, बोली गणेश जी नो कैसे कुछ मांग ली, क्या मांग ली? पड़ोसन बोली कि राम की मारी, क्यों तो धन मांगा, क्यों फोटो मांगा, थोड़ा दिन जीवागी तो दिदा गोडा मांग लिया, कर गोडा मांग ली। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी तो उनकी चीज मांगूंगी तो बेटा बहू राजी नहीं है। अपना मतलब की भी मांगनी चाहिए, उनकी भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना का कटोरा, मैं पोता ने दूध पीऊँ तो देखू, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तो तुमने ठग ली हो, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है, तेरे मतलब तू जै सोचा हुआ वैसो ही हो जाए। अरे इतनों कह के गणेश जी अंतर ध्यान है को, बुढ़िया माई के सब कुछ हो गो, कहता ने सुनता ने उकारा भक्ता ने अपना सारा परिवार ने गणेश जी महाराज जी को बुढ़िया माई ने लियो उसको सारा। माता, पानी दिया, एक जगह कर लिया।